बीमार मोमिनीन मोमिनात दी शिफा या भी वास्ते बुलंतर सलवात तिलावत फरमा अल्लाहुम्मा सल्ले अला। दुआ है रब्बुल इज्जत तो तमाम मोमिनीन मोमिनात दा इस पाक जिक्र स्टोर है अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमावे। अपनी आगाज़े मजलिस च बड़ी कीमती दुआ तो फतन आज़ादारा वास्ते मंगदा। मेरा मालिक मौत आवण तो पहले हर हुबदार नो जागीरे अली अकबर दी जवारी नसीब फरमा। आले मोहम्मद इज्जत उजमत दा वास्ता मेरा मालिक इज्जत इमाम हुसैन बादशाह दा सदका चौधरी गौस सुबानी मेहर चौधरी आसफ अली चौधरी अताए हैदर मेहर मेरा मालिक इज्जत आले मोहम्मद दा सदका रिज़्क बख्श इज्जत च इजाफा फरमा। बिलहसूस बानियान दे जितने मरहूमीन मेरा मालिक चौधरी बरादरान दे जितने मोमिन मोमिनात इस दुनिया फानी तो रुखसत हो गए हाजरीन मजलिस दे जितने मोमिन मोमिनात दुनिया चले गए मेरी वालदा पिछले मुहर्रम दुनिया च रुखसत हो गए मेरा मालिक कबर तो माशर तई 14 मासूमीन दा सहारा नसीब फरमा। हाल मोहम्मद इज्जत उजमत दा वास्ता पूरी दुनिया च कोई मोमिन मोमिना बे औलाद है नवाब इबने नवाब इमाम अली मकाम दे छियां महीने दे बाबल हवाई शहजादा अली असगर बादशाह दे झूले दा सदका औलाद नरीना ता फरमा। बुलंद आवाज नाल अमीन अक्सो मेरा मालिक इन मजलिसां दे हकीकी बानी हकीकी वारी से दस्तारे नबी हकीकी वारी से विलायत अली अलैहिस्सलाम हकीकी वारी से खून हुसैन अलैहिस्सलाम साढ़े बहर में मौला दा जहूर जल्द जल्द फरमा। तमाम दुआवां दी मुस्तजाबी वास्ते सोहनी तो मुहब्बत भरी सलवात सारे साहिबान इजाजत है भाइयों बजुर्गों दोस्तों की मैं नौकरी पाक दा आगाज करा। जनाब सैयदा कदम कदम तुहाडी हिफाजत फरमान। आजादार जिंदा है ते आजादारी जिंदा है। जरूरी नहीं हजारा दा मजमा होवे तां मजलिस हुसैन होंदी। तुहाडा मेरा जिक्र दा वारिस छेवां लाल विलायत दा फरमा रहे पढ़न वाला खलूस नाल इक्को होवे अगू सुनन वाला भी इक्को ही होवे कबूल करन वाले असी 14 ते गल ते सारी बाबा नीयत दी नीयत वल मुराद बाद बा मुराद बेअदब बे मुराद ये ऐसा दर रे इत्थे अपनी अपनी नीत के आवना जी ते इत्थे बाबा हुन जी जवानियां माणो नगद सौदा गिव एंड टेक जेड़ा जेड़ी नीत के आया उन्हें झोली भरी ते हो गया। कोशिश करना एक अदब दा गुलदस्ता बना के मुतमइन हो के थोड़े जरूर लेकिन कदरदान बैठे हो मुकम्मल ड्यूटी रूह नाल जवानी माणे पणा अल्लाह दी वसीका नाते च नबियां चो कोई ऐसा नबी नहीं चैलेंज जी पूरी दुनिया नूं खुला चैलेंज कोई मन्ने तां वी है कोई ना मन्ने तां वी है नबियां चो कोई ऐसा नबी नहीं फिर सुन लो नबियां चो कोई ऐसा नबी नहीं जेड़ा पाक हुसैन दे पाक नाने तो ज्यादा सोहना होवे। आए हाय तुहाडा बोलन सहन कबूल फरमावे जेड़ा रसूल खुदा तो ज्यादा हसीन होवे। हाँ मैं नहीं कुरान पे आदा दूजे नबियां च एक नबी सोहना है जिदे हुसन दे कायनात ते चर्चे नाम मनू भी पता है ते तुहानू भी पता है उस नबी दे हुसन दे चर्चे कायनात ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान दे हुसन यूसुफ दा भी तकाबुल मुहम्मद मुस्तफा दे हुसन नाल नहीं उसकी वजह क्या है जिदे ते जुलेखा आशिक होवे उन्हों यूसुफ आ देन जिदा अल्लाह आशिक होवे मुहम्मद मुस्तफा आ देन। वाह जियो भाई सारे गवाही बनो हुसैन दे नाने दी जुबान हर खचावे हैदरी। इतनी ढेर लगती मजलिस नो जन्नत तो सोना बनाने जिंदाबाद जी जिदे ते जुलेखा आशिक होवे हुसन यूसुफ ते जिदा अल्लाह आप आशिक होवे हुसन मुस्तफा। चलो जाकरां तो नात खाना तो नाता सुन दियो रसूल दियाँ कुरान को रसूल खुदा दी नात सुनिए जेड़ा बजाते खुद तौसीफ मुस्तफा है
ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਐਸਾ ਚਾਟ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਜੋ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਂ ਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਾਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਆਦੇ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਕਾਬਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਮ ਪੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸੁਨਤ ਇਬਰਾਹੀਮੀ। ਕੁਰਾਨ ਆਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਬੀਆਂ 'ਚੋਂ ਅਫਜ਼ਲ, ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਚੈਲੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਦਿਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਹੱਥ ਗਵਾਈ ਬਣ ਜਾਏ ਹੈਦਰੀ ਜੀ। ਓ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਯਾਰੇ ਸਮਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕਦਰਦਾਨ ਬੈਠਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ ਦੋ ਸਦਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਸੀਦਾ ਜੋ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਠਾਰ ਦੇਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਫੁਰਕਾਨ ਨੇ ਹਮੀਦ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਕਸਮਾਂ ਚਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਵਜਹ ਤਹਿਲੀਕੇ ਕਾਇਨਾਤ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਚਾਇਆ, ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਅਦਬ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਪਿਆ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਦਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਾ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ੋਂ ਸੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾ ਡਾਲੀ। ਵਾਹ ਯਾ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਹ ਯਾ ਹੁਸੈਨ। ਅੱਛਾ ਕੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਰਹੇ। ਜਨਾਬ ਸਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਵਾਂ। ਕਸੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਛੋੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਜਿਸ ਹੁਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਕਲੀਫ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਗਰਮੀ ਹਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਤਨ ਕਲਾਮ ਗਿਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਹੁਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਉਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੋ ਅਲੈਹ ਵਅਲੈਹ ਵਸੱਲਮ। ਲੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਛੱਡੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਸੀਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਸਾਇਦ ਕਾਮ ਦੇ ਰਾਸਣ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਸੀਦੇ ਸੁਣਾਵਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਜੋ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਲੁਤਫ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇਗਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਤਾਰ ਛਕੋ। ਜਿਸ ਹੁਸਨ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਹੁਸਨੇ ਯੂਸਫ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਵੇ ਹੁਸਨੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਇੱਕ ਛਲਕ ਦੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਕਈਆਂ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਸੀਦੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਸੀਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਆਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਸਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਅੱਲਾਹ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ,
हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी हाल बराबर नहीं। हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी हाल बराबर नहीं। हुसन यूसुफ ओ नबी ए ए इमाम दा पुत्र है फिर भी हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी हाल बराबर नहीं। सैयदा प्यो पुत्रां दा जवारा मातमी दा नौकरा गल मैं कीती है दलील मैंने ना मां पुत्र नहीं जमया जेड़ा माशर तई शहनशाह बास नकवी दी दलील नु गलत साबित करे। ओ नबी ए इमाम दा पुत्र जिंदगी होवे हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी हाल बराबर नहीं। वजह क्यों वाए किसे भी हाल बराबर नहीं। हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी हाल बराबर नहीं। हुसन यूसुफ ते अकबर दा किसे भी क्यों हाल बराबर नहीं। ते यूसुफ अपने वांगो है ते अकबर नाने वांगो है। ते यूसुफ वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन अच्छा के बोलो हैदरी वाह या हुसैन वाह या हुसैन जी। ओ बाबा हक अदा पे कर दियो एदा ना जे हक ते बोलना जी। ओ या अली या अली तुहाडी नसल आबाद रहे इमामे जमाना दा करम पिया वसदा तुहाडे ते मजलूम दा जाकरा इतनी निगाह ते बहन बिरात आ कीती है ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਆਖਣ ਯੂਸਫ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅਕਬਰ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਾਨੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਸ਼ਕ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਜਮਾਨੀ ਮਾਣੋ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ। ਕਸਮੇ ਸਾਰੇ ਤਕੇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਘਰਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ। ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਖਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤਿੜ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਚੰਨ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਸੋਹਣੇ ਡਿੱਠੇ ਅਤੇ ਚੰਨ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੱਪੋ ਨਾ ਸੇਬ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੇਬ ਅਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪਰਦੇ 'ਚੋਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਆਵਣ ਤੁਸਾਂ ਯੱਕੇ ਵਕਤ 'ਚ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਬ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਪਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰਤਾਂ ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਏ ਵੇਖਣ ਪਈਆਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਬ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਪਈਆਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਬ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਟੀਆਂ ਜਲਵਾ ਤੱਕ ਕੇ। ਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਟੀਆਂ ਜਲਵਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣਾ ਇਵੇਂ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਵੇਂ ਹਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣਾ ਇਵੇਂ ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਇਵੇਂ ਹਾ ਤੇ ਯੂਸਫ ਸੋਹਣਾ ਇਵੇਂ ਹਾ
मगर साडे नबी सोने दे यूसुफ वाल बराबर नहीं। मगर साडे नबी सोने हुण आचा के बोलो हैदर हैदर पुत्रां नाल वसदे इलाके नाल वसदे। लो जी एक और कलाम जनाब नूं तिलावत करके सुनाइए। को तबीयत लगी जनाब दी? मैं बोर तो नहीं पा करदा जनाब नूं। उत्तों गर्मी दा जोर उत्तों बोर जाकर हो जाए। वल्ला तुसां मेरे तक किवें अद्धे तों ज्यादा ला दिते ते अद्धी तों ज्यादा थकावट ते पेंडा करके मुनकर दे वेड़े भी वड़ गई होणी। जियो जवानी माणो। हुसैन दा अकबर तुहानूं वसदा रखे। एक छलके दी सलवात पढ़ो नवाब करबला दी जात। पढ़ो खोल ऐसे देखो बार दीगर बुलंतर सलवात। चल कसीदा एक पाकां दी वंड होंदी है। बड़ा मुनफरिज मौजू बहुत कम पढ़िया जांदा मिंबर ते। कसीदा उस बादशाह की इज्जत उजमत दा जिस बादशाह की मेहनत की वजह तो अज मस्जिद आबाद ने मुसल्ले आबाद ने ये मजलसा जलसे जलूस कायम। कसीदा इमाम सैयद साजिदीन बादशाह। चूंकि मौजू बहुत कम मिंबर ते फजाइल पढ़े जाते हैं तो मेरा दिल चाहता है कि जनाब नूं मैं मोहब्बत इमाम सज्जाद अलैह सलाम दी मेराज करा। तबीयत है जनाब दी कलाम सुनावा। एक छलके दी सलवात पढ़ो इमाम बाकर उल उलूम दे पाक बाबे दी जात। अल्लाहुमा गल होंदी कदरदान वास्ते बेकदरे ते सोने नूं मिट्टी समझ के बजा देने। चूंकि मिल गए अच्छे खरीदार इस वजह तो मैं कसीदा तुहाडे वास्ते तिलावत करा। वो ज़ैनुल्लबा है 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 वो ज़ैनुल्लबा है। कलाम झोली फैला के सुनना। वो सजदों ने भी जिस को सजदा किया है वो वाह हुसैन वाह हुसैन। ये हाथ बन जरिए हुसैन तो मासूम है। तो कीर दुनिया में जिसकी निराली खुदा के मलायक है जिसके सवाली वो जिसकी जुबान से खुदा बोलता है। वाह हुसैन वाह हुसैन। शाला हाथ मोता इना वे किसे कमीने दा जड़ा इज्जत इमाम जैन उल आबदीन च बुलंद है। सुनना ने आजे मौला। वो तकदीर जिसके कदम चूमती है वो जंजीर जिसके जख्म चूमती है जो बीमार
हर हो के शिफा बांटता है। थोड़ी मार्फत नो सलाम थोड़ा हाथ किसी कमी ने दम होता है ना वे जमाने के जीवे प्या बड़ी रूहानियत है बड़ी रूहानियत है। मनु मिंबर दी कसम महसूस पे आंदे किसे मासूम दी आमद है मनु मिंबर दी कसम महसूस पे आंदे रूहानियत पे दस्ती हुण शेर सुने अलमदार ने जिस का झूला झूलाया जिसे पाक शबीर ने खुद सुलाया जो जैनब की चादर में पलता रहा है। मैं कुर्बान मैं कुर्बान थोड़िया वसदिया अखा की कसम थोड़े ते तरसे अली दे पुत्र ना होवे आशाम ना रुलन अली दिया दिया। वाह गुरबाता वाह गुरबाता शल अपने दुखां ते ना रोवो फजाइल इत्थे ही तमाम करना मेरी मजबूरी बन गया क्यों तुहाडियां फजाइल ही चखां वस आईयां और ऐन मोमन दी निशानी है जो फजाइल चख दा वसना। बादशाह फरमाते हैं जड़ा फजाइल अख वसे साढ़े बारहवें मुहम्मद जहूर की दुआ मंगी करो जो आके ना कमीनिया तो पुछे मेरिया दादियां दा जुर्म केड़ा हा। असी जरबां नू नहीं रोंदे असी बरछियां नू नहीं रोंदे असी कट्टे बाजुआं नू बाबा नहीं रोंदे। मैं सैयदा तुहाडा मेहमान हाँ ये जाकर की दस्तार होंदी है साफा मैं अपनी जाकरी दी कुल इज्जत सर ते चा के कसम पिया चाहना असी जरबां नू नहीं रोंदे असी बरछियां नू नहीं रोंदे असी कट्टे बाजुआं नू नहीं रोंदे। यार सानू इको अरमान अंदरू खा गया धी जो प्यू नू छुड़ावन आई है धी नू मारिया क्यों मेरे बुए ते दुश्मन दी धी आवे मैं कतल माफ करना। तू कैसा मुसलमान है प्यू दे सामने धी नू मरेंदा रिया धी दे सामने पीऊ दियां जुल्फां च हथ पाया। या सैयदा हुक्म मातमियां दे ढेर हन पता नहीं शायद वो हर कैंट उड़ जाना है मजलस दे बाद मनु इस मिंबर दी कसम उस बैठिया रहना है जिंदे लोहे दे जेवर हैं जिहड़ी अज भी आखदी है हुसैन बहन किथे किथे रोवी किसे नबी दे पुत्र इंज नहीं रुले जवानियां माने जिमें जवान वसदियां अखां नाल पे रोंदे ना ए सुन्नत इमामे सज्जा दे मेरा दिल लादा है तुहाकूं दे मैं डुग सुनावां जिहड़ा अजे ही खून रोंदा है मैं तो पानी रो के थकदे हां ओ जो 40 साल खून रोंदा है ए यकम सफरुल मुजफ्फर ए जिहड़ा कल चन चढ़ा है ना 3 मुहर्रम तई भिरा दा सफर है हुण यकम सफर तो चेलम तई भैन दा सफर है। मजलूम दे इज्जतदार रजादार बैठे हो यकम सफर उस निजस माहौल च दाखला थे अली दियां पर्देदार धियां दा जिथा अज भी कोई शरीफ मर्द नहीं जा सकदा ऐसा निजस माहौल। शाम दा बाजार एक ऐसा चौक आया है जिथे कमीनियां दी भीड़ वध गई एओ मुकाम है जिथे इमाम सज्जाद इतना खून रुन्ने ना एक केड़ा मुकाम है जवानियां मानो ओ मुकाम है जिथे सेंट दे चन अली दियां पर्दादार दियां इमाम सज्जाद खून रो के फरमा रहे एओ मुकाम है जिथे कमीनियां दी भीड़ वध गई है। दुख इस गल दा सज्जाद नो खा गए अगले कमीने राह ना देंदे हन पिछले ढिक्का देंदे हन ते मदीने दे मुंह करके आदी ना ना हुण आके वेख दीन ओखा पिया बचदा जिन्हां दे कद दा बाबा सके भिरावां नू नहीं पता। एक जुमला आखां
जिन्हां दे पुत्र 18 साल बुरकियां च पले ने उन्हां दियां धीयां दे कितने अल्लाह परदे बनाए हो सन। एक ऐसा मुकाम है जिथे बाकिर दा मजलूम बाबा मर्जी नाल नहीं जान पाए, रत वधी है। एक बड़े मशहूर मारूफ मौला दे मदा खान नुआ खान गुजरे जेडे मातमियो जानते हो सो तौकीर कमालवी दे बारे शौकत रजा शौकत साहब मिंबर ते ऐलान किया। उन्हें कहा जो तौकीर मिलेगा ना मैं माशर के मैदान च तो मैं वो अगू हाथ जोड़ के वो कदमों से हाथ रख के आखा तौकीर मेरी सारी जिंदगी की शायरी तेरे हवाले जड़िया दो सत्रह बाजार दियाँ लिखिया ने मेरे हिस्से च कर सुन सो जड़े रोंद बैठे हो तौकीर बाजार का मंजर लिखे और लिखते जदू भीड़ वधी है अखां दी रत वध गई बाकिर दे बाबे दी। आजो बिस्मिल्लाह मौला दे मुकाने आजादार आवण तो मजलिस रूहानियत वध दी है ते जदों मुकाणी कोई मदा खान आवण तो मजीद रूहानियत वध वैंदी। आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आओ चलो। छे अखां होर हो गई मजलूम दे दुखां ते रोवण वास्ते। हुण जुमला सुना है जड़ा शाम दे बाजार च भीड़ वधी है तौकीर कमाल भी लिखा है और लिखते जदों भीड़ वधी ना रुना बाकिर दा बाबा ते कड़ियां ले हत्थां तो मत्था चा के फरमा रहे ये अहले शाम जो आए कभी मदीने में बताएं हम इन्हें के ज़ैनब की आबरू क्या है और जेंदे कद दा सके भिरावां नूं नहीं पता कदे उस बाजार। बस तुहाडी हाय दी आवाज आ गई ते मैं इत्थों वैण पिया करदा। लो इस नाल आजादारो ए जहर मिली हुई रोंदा बैठे बाकिर दा बाबा। इमाम बाकर ललूम बिला तशबी आबाद दामन नाल पियो दी अखां दी रत पे साफ कर दें। अखां चों ही खून है मूँह चों ही खून है ते रो के फरमा रहे बाबा हुण तां जहर मिल गई आ हुण ते रत रोक। तो इमाम सिस्की लैके फरमा रहे मेरा अल्लाह सज्जाद नु इको अरमान खा गए अज मेरी भी कोई आलिया जी बहन हो गया तुसी वतन ते बह के हाय कीती पासे नालू आवाज आई ओ मेरा शाम दा संगती बछड़ा जडन दी मुसलमाना जहरे जफा दिती आ मां आई बैठी आ। बस हुण तुहाडियां वसदियां अखां मैं वेख लियां ते वैण करा पुत्र आदर है बाबा हुण ते रत रोक। रत रुकी नहीं वध गई है रुन्ने ने मामे सज्जाद ते पुत्र दे गले च बही पा के जड़ा वैण की तो सुनावा मैं रोके प्या दे रात कीवें रोका दस बाकिर बेवस अखियां चू वहंदी रोके प्या दे रात कीवें रोका दस बाकिर बेवस अखियां चों रोके प्या दे मैं को इंज लगदा बदमाशा विच मैं को इंज लगदा बदमाशा विच मेरी मां पई उठ तो लांदी। वाह गुरबता मातमिया नु मातम सोहना लगता है तड़े हाथों वास्ते मातम बनाए आजादार हुसैन बादशाह दा मनो हुण मुसाए मैं नहीं पढ़ना तुहाडियां अखां पढ़ सन सैयदा हथ बद्दी खलोता जवाब दे सो कै कलमा को दा जनाजा होवे कफन कितने फरदे बोलो कहंदा जनाजा होवे कफन कितने होंदे हिक्का कफन मैनू मिंबर दी कसम है नौ कफन बाकर प्यो नू पवाए जड़ा नावा कफन पवाए खून दे जोर ना रंग तब्दील होए जड़ा नावा कफन प्यो नू पवाए इमाम सज्जाद कमदे मैया चवाज आई मेरा बाकर बचड़ा अगर मेरी मने तो मैं कफन ही ना पवा सैयदा दे बाबा शरीयत दा मसला है कफन तो पवावना है अल्लाह दे नां ते दसा ते को कफन ना पवावा ते क्या पवावा इमाम सज्जाद कमदे मैया च आवाज आई मैं को कणिया पवा मेरा चन बछड़ा या गाल था दिल को खानी है मैं मिलना है
भेण सकीना को मको भेण तू सलाम जो आंदी है रो के प्या जाए मताओ आखे मैं कहदना मताओ आखे तेरे लह गए